सो व्हाट्स अप चिल्ले भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ ट्राइब जोन ऑनलाइन। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे मस्टैंग है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में खरीदी थी शायद, मुझे याद नहीं है, शायद उससे भी पहले वाली वीडियो में खरीदी थी। लेकिन आप लोग देख सकते हो यार, कितनी प्यारी लग रही है। और ये मैंने यहाँ पे इसको 20 लेवल तक कर दिया है। अभी तो खैर ये 20 लेवल पर, इसकी स्पीड भाई बहुत तेज। और यार ये वॉल्यूम बहुत तेज है, तो मैं वॉल्यूम कम करूँ सबसे पहले। हाँ ओके, तो अब देखो गाइस इसकी स्पीड, यार स्पीड एकदम बहुत तेज हो चुकी है गाड़ी की ऑलरेडी। और ये मेरे को रिवार्ड मिला है, डेली लॉग इन का मुझे रिवार्ड मिल चुका है। यहाँ पे मेरे को कंटेनर मिला है और मेरे पास बहुत सारे कंटेनर पड़े हैं, तो टेंशन मतलब आज मैं कंटेनर भी खोलने वाला हूँ इस वीडियो में, कंटेनर्स। और मेरे पास बहुत सारे कूपन्स भी पड़े हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि सुप्रा की क्रेट ओपनिंग करूँगा। कूपन क्रेट्स पड़े, क्रेट कूपन कहते हैं, कूपन क्रेट्स कहते हैं, जो भी कहते हो। तो हाँ, मेरे पास आज वो पड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सुप्रा की अनबॉक्सिंग की बोल रहा हूँ मैं, सुप्रा के क्रेट ओपनिंग करेंगे हम। और लेकिन वो हम आगे करेंगे, अभी खैर मैं थोड़ी बहुत इससे रेस वगैरह करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये अभी 20 लेवल की है। तो 20 लेवल की है तो थोड़ा बहुत चेक करना तो बनता है ना कि इसमें क्या रफ्तार में चेंज आया यार। और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम कर लिया, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही गाड़ी की। हाँ अब देखता हूँ। ओके, तो अब वॉल्यूम ठीक ठाक हो चुकी है। अब मेरे को आवाज़ आ रही है अपनी मस्टैंग की, भाई गाड़ी आ रही है सच में बहुत प्यारी है। इसमें जब से इससे खेल रहा हूँ ना, मैं 3 रेसेस जीत भी चुका हूँ भाई। और इसमें पता है आपको रेस जीतना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मैं कल ही इससे खेल रहा था, पूरे 1-2 घंटे में खेला था, और भाई मैं 3 रेस जीत गया 1-2 घंटे में। इससे पहले मैं एक भी रेस जीत नहीं पाता था ढंग से, मुश्किल से मैं सेकंड या थर्ड आ पाता था, लेकिन इस गाड़ी ने भाई मुझे रेस जिताई है। तो ये तो मेरी फेवरेट गाड़ी हो चुकी है। और भाई देखने को यार ये कितनी प्यारी लगती है, आप लोग देख ही सकते हो जैसे। और मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिल चुका है, और मैं आज के ये भी चेक कर लेता हूँ जितने मुझे मिशन्स हैं। ड्राइव 5 किलोमीटर, ड्राइव 10 किलोमीटर, ड्राइव 15 किलोमीटर, ड्राइव 20 किलोमीटर, विन इन एनी रेस मोड, फिनिश एनी रेस मोड, फिनिश एनी। ओके, तो ये रेस मोड वगैरह ही है। ओके, तो मैं इनको भी कंप्लीट करूँगा ताकि मेरी मस्टैंग और ज़्यादा लेवल हो सके। और खैर मेरे पास अभी एक भी एक्सपी कार्ड नहीं है, कार एक्सपी कार्ड, जिससे मैं एक्सपी अपनी बढ़ा सकूँ गाड़ियों की। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत कंजूसी से चलना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक्सपी कार्ड भी सोच रहा हूँ कि खरीदूँ और इसको पूरा का पूरा मैक्स लेवल करूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई ये गाड़ी अब मेरे दिल पे आ चुकी है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है मुझे मस्टैंग पसंद तो है, लेकिन इसने मेरे को इतनी सारी रेसेस जिता दी, तो और ज़्यादा पसंद आने लगी मुझे ये गाड़ी। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन वगैरह करवाऊँ, कस्टमाइजेशन क्यों, इसमें पेंट वगैरह अलग करवाऊँ अपने हिसाब से जैसे करवाते हैं। मुझे अभी इतना कुछ पता नहीं है, मैंने एक भी गाड़ी पर नहीं करवाया, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं इसी से करवाऊँ थोड़े बहुत। अपने नाम वगैरह लिखवा सकते हैं क्या? मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल वगैरह का नाम भी लगवाऊँ गाड़ी के बगल में, और थोड़ी बहुत इसको कस्टमाइज़ करवाऊँ इसके कलर वगैरह को, तो गाड़ी थोड़ी अच्छी लगेगी और ज़्यादा। अभी तो खैर ये तो रुको, यहाँ पे प्राइस बोर्ड छूट गया पीछे। अभी तो खैर ये स्टॉक वाली है, जैसी मुझे मिली थी वैसी की वैसी है। अरे यार बात करते करते वो दोबारा से छूट गया, पता भी नहीं चलता ना। रुको मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, पैसे तो तुम्हारे भाई के पास बहुत सारे हैं। मेरे पास लगभग 2.5 लाख डॉलर्स है, डॉलर्स के मतलब क्रेडिट्स हैं। और मैं सबसे महंगी वाली गाड़ी खोलने वाला हूँ थोड़ी देर में। और मैं रुको, अभी सबसे पहले तो हम बैक चलते हैं, इससे 1-2 रेसेस करते हैं, क्योंकि बातें करता रहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी बिना बात की, तो जल्दी से रेस कर लेते हैं। और मेरे पास क्रेडिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कौन सी गाड़ी खरीदने की सबसे पहले प्लानिंग कर रहा हूँ। इतने क्रेडिट्स मुझे इकट्ठा करने हैं, मतलब कितने क्रेडिट्स इकट्ठा करने हैं, इतने बोल रहा हूँ, कितने क्रेडिट्स मुझे अभी इकट्ठा करने हैं उस गाड़ी के लिए। कार्स आप लोगों को पता ही होगा कौन सी गाड़ी के मैं बोलने वाला हूँ, सबसे महंगी गाड़ी जो है क्रेडिट्स में बोल रहा हूँ मैं, गोल्ड कॉइन्स में नहीं बोल रहा, क्रेडिट्स में। ये मर्सिडीज़ की ये वाली गाड़ी मुझे ख़रीदनी है भाई, देख रहे हो आप लोग, 5 लाख डॉलर्स की आ रही है। 5 लाख मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है मुझे ये करने में। खैर अभी तो फिलहाल हम जल्दी से, रुको टास्क वास्क कम्प्लीट हुआ है, कुछ अचीवमेंट कम्प्लीट हुए। ओके भाई मेरे पास ये वाले कंटेनर्स बहुत सारे हो चुके हैं, तो मुझे अभी कंटेनर्स भी खोलने हैं। और ये यहाँ पे मुझे कपड़े वपड़े मिल चुके हैं, कपड़े वपड़े छोड़ते हैं हम जल्दी से, एक रेस करके देखते हैं। और ये भाई मुझे ये नहीं पता यार, ये ड्रिफ्टिंग और ये सर्किट रेसिंग और ये स्किल टेस्ट कब खुलता है भाई। मैंने उस दिन वेट किया था इसके खुलने का, पर भाई देखो जब मैंने गेम ऑन किया था तो ये लगभग 4 घंटों में खुलने वाला था। और फिर मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है और पूरे दिन ये खुला ही रहेगा, और मैंने ये सुबह खोल कर देखा तो ये फिर से लॉक हो चुका था। पता नहीं भाई कितनी देर के लिए खुलता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। तो मतलब मैंने सोचा था कि सुबह पूरे दिन खुलेगा, अगले दिन खुलने वाला है, तो और मैंने जैसे ही सुबह खोल के देखा तो भाई फिर दोबारा से लॉक हो गया ये। लेकिन छोड़ो उसे, अभी जाने देते हैं, हम जल्दी से रेस पे ध्यान देते हैं। ये आज
इस वाली रेस को करूँ या फिर मैं दूसरी वाली रेस को करूँ, वो जो करियर वाली रेस है? क्योंकि सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं, क्योंकि इसमें रियल बंदे आते हैं तो इसमें ज़्यादा हमें पावर का पता चलता है, उसमें तो बॉट्स वगैरह होते हैं। लेकिन यार वो बॉट्स वगैरह ही बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, उनसे भी जितना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन अभी खैर मस्टैंग है भाई हमारे पास, और ये वाला ट्रैक मुझे पसंद है भाई, ये वाला ट्रैक मुझे अच्छा लगता है। इस वाले ट्रैक में गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, लेकिन यार ये गेम ना बहुत देर में स्टार्ट होता है। जब हम ऑनलाइन खेलते हैं ना, ऑनलाइन प्लेयर्स यार बहुत देर में स्टार्ट, मतलब रेडी वगैरह बहुत देर में करते हैं एक तो गेम बहुत देर में स्टार्ट होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यार मैं इतनी बकवास कर चुका हूँ लेकिन अभी तक गेम स्टार्ट नहीं हुआ है भाई। दिमाग को भी सोचना पड़ता है क्या बोलूँ ताकि वीडियो में हुक बना रहे। और ये गेम वाले यार इतना ज़्यादा टाइम देखो अभी तक नहीं ऑन हुआ, और कितना वेट करें। 2000 years later. भाई आज की तारीख में ऑन होगा या नहीं, कितना वेट कराएगा यार। One eternity later. Okay guys, तो फाइनली यहाँ पे ऑन हो चुकी है हमारी रेस। अब जल्दी से इस वाली रेस को हम जीत कर देखते हैं, अगर फर्स्ट आ गए तो भाई मजा आ जाएगा। 12,000 हमको क्रेडिट्स मिल जाएंगे, 12,500। अबे यार ये मेरे साइड में कौन सी गाड़ी निकल के गई है अभी, कौन सी है, ये डॉज वाइपर है? नहीं यार मैं बात करने पे ध्यान भी दे रहा हूँ, मुझे रेस जीतनी है। ओके तो ये साइड में मेरी एक गाड़ी निकल चुकी है बहुत आगे। अरे यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, इससे कैसे और आगे मूड आने वाला है। रुको सबसे पहले मैं धीरे करता हूँ गाड़ी को, और यहाँ पे भाई मर्सिडीज वाली गाड़ी है ये, और भाई मैं इसी को खरीदने की बोल रहा हूँ अभी। 5,00,000 की ये जो है यही वाली गाड़ी तो है वो। नहीं यार नहीं, इस जगह पे गड़बड़ हो जाती है बस मेरे से बार। खैर मैं इसको सेकंड तक तो जीत सकता हूँ, फर्स्ट वाली थोड़ी मुझे मुश्किल लग रही है। रुक गई गाड़ी। अरे नहीं यार ये गाड़ी सबसे फास्ट है यार, कोई बात नहीं फास्ट तो। गलत मोड़ लिया मैंने, हो गया काम, अब तो नहीं जीतने वाला मैं सेकंड पे भी। एक और गाड़ी आगे निकलने वाली है यार, ये सुपर आगे निकलने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं इससे तो मैं आगे निकल सकता हूँ अभी भी। अबे नहीं फास्ट है ये भी फास्ट है, इससे भी मुश्किल है, लेकिन ट्राई करते हैं। ओके मैं इससे आगे निकल चुका हूँ, अब बस इससे और आगे निकलना है मुझे। भाई थोड़ा धीरे चला ले यार, आगे निकल जान दे, वीडियो बना रहा हूँ, इज्जत का सवाल है, थोड़ी जी हार जा मेरे से एक बार। नहीं और ठुकी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भाई निकल जा आगे निकल जा यार, मस्टैंग की पावर ढीली पड़ रही है यहाँ पे। ओके अरे यार ठुक गई ये बीच में, निकल सकता था मैं आगे, कोई बात नहीं। ओके भाई निकला। ओ यार बस थोड़ा सा और, यार मैं फर्स्ट आ सकता था, थोड़ा सा बच गया। अगर मैं फोकस करके खेलता ना तो मैं फर्स्ट आ जाता, लेकिन मैं बातें करके खेल रहा हूँ तो इसलिए फर्स्ट नहीं आ पाया। खैर छोड़ो, रेस तो हमने कर लिया, मतलब गाड़ी में यार पावर तो है, इतना तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मस्टैंग में भाई पावर है। सेकंड आया हम भाई, पहले मुझे सेकंड लाने में पूरा तेल पसीना मेरा निकल जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आराम से सेकंड आ चुके हैं। और यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे एक क्रिसमस ट्री है और गिफ्ट वगैरह रखे हैं। लेकिन अभी हम जल्दी से क्रेट ओपनिंग करते हैं गाइस। क्रेट ओपनिंग की बारी आ चुकी है, और मेरे पास यहाँ पे टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं थोड़ी बहुत कलेक्ट कर लेता हूँ टास्क। और मेरे पास क्रेट्स किधर है, ये रही। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कंटेनर्स है, लेकिन मेरी क्रेट्स किधर रखी है भाई? ये तो मेरे पास 4 कंटेनर है जो क्रिसमस वाले आए हैं, और मेरे पास येल्लो 13 कंटेनर है, और ये 2 कंटेनर, सबसे पहले मैं इनको ही खोलता हूँ येल्लो वाले को। और मेरे पास कूपन्स भी पड़े हैं, कूपन्स की टेंशन, मतलब कूपन्स भी है, लेकिन मेरे पास ये सुपरा तो है भाई। सुपरा के लिए मुझे क्या, सुपरा नहीं चाहिए, कुछ और ये वाली मुझे चाहिए, मर्सिडीज की है शायद ये, पता नहीं है ऐसा कुछ खास, मर्सिडीज़ की क्लासिक गाड़ी लग रही है कोई। तो जल्दी से इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये आएगी या नहीं। ओके कोई बात नहीं, एक्सपी कार्ड भी मिल रहे हैं तो ठीक है, एक्सपी कार्ड भी हमको चाहिए वैसे, एक्सपी कार्ड भी मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ पे क्रेडिट्स मिले हैं, वैसे मेरे को इन कंटेनर से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मिल जाए गाड़ी तो अच्छा होगा भाई। मैं सारे के सारे कंटेनर्स खोल देता हूँ अभी के अभी, और ये फिर से मुझे क्रेडिट्स मिले हैं भाई। इनमें बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे कि हमको कोई गाड़ी मिल जाए, और अबे यार थोड़ी सी रह गई बस। ओके ये को नहीं, मेरे को यार सुपरा या पोर्शे तक रुक जाती है, बार बार पोर्शे तो मेरे को चाहिए भी नहीं।
ओके भाई, थोड़ा सा रह गया यार, थोड़ा सा आगे चला जाता ना काम बन जाता अपना। या बार बार क्रेडिट्स पे रुक गए, देख रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं मिलती भाई मुझे तो बहुत ही। देखो इन्हीं दोनों पे बार बार आके घूम के रुक रही है। रुको मैं इस पे तीन चार बार क्लिक करता हूँ। अब ये मिलनी चाहिए यार, थोड़ा सा रह गया बस भाई, थोड़ा सा आगे निकल जाता ना तो मिल जाती मेरे को अभी। रुको दोबारा से करता हूँ। ओके ये फाइनल है, इसमें निकलनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है बारे में जान दो, ये इनसे नहीं निकलने वाली इतना मैं समझ चुका हूँ। और ये मेरे पास क्रिसमस वाली चार क्रेट है, तो यार ये कपड़ों के लिए है क्या बस? ओके ओके यहाँ पे नहीं, आज ये तो स्किल लग रही है मुझे, गाड़ी तो नहीं मिल रही इसमें कोई। हाँ यार इसमें कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, बस स्किन वगैरह है। तो इसको खोल के मैं क्या करूँगा, इसको तो बाहर में जाने दो। ये मेरे पास एक भाई, इसमें एस्टन मार्टिन मिल रही है। ओके इसको खोल कर देखते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो। भाई 2 लाख क्रेडिट्स मिल गए, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। 2 लाख क्रेडिट्स भी अच्छी डील है। ओके कोई वो बुरी बात नहीं है 2 लाख क्रेडिट्स होना। और यहाँ पे इसमें सुपरा MK4 मिल रही है भाई, सुपरा MK4 तो चाहिए ही चाहिए, तो देखते हैं। ओ भाई भाई मुझे सुपरा MK4 मिल चुकी है भाई, मेरे को अपने कूपन से वेस्ट नहीं करने पड़े और सुपरा MK4 भी मिल गई। रुको मुझे यकीन नहीं हो, ओ भाई सुपरा MK4 मिल चुकी है मुझे भाई, कंटेनर में ही मिल गई। कंटेनर नहीं, वो गाड़ी का था कुछ, लेकिन मेरे को मिल चुकी है भाई। भाई सच में मिल चुकी है क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, और वो भी फ्री में भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार। भाई उसकी स्पीड वगैरह कितनी है? स्पीड तो यार इसकी बहुत बेकार है। यार कोई नहीं यार, सुपरा हमको मिल चुकी है यहाँ पे। और मैं तो भाई अभी कूपन्स यूज़ करने वाला था अपने। देखो मैं अभी अपने कूपन्स दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे कूपन्स किधर से देखते हैं। आइटम्स में गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 4 गोल्ड टिकट्स पड़ी थी, और यहाँ पे 15 है भाई, 15 ब्रोंज टिकट्स है मेरे पास, और मैं इनको स्पेंड करने वाला था अभी सुपरा में, लेकिन मेरे को ये भाई ऐसे ही मिल गई। देख रहे हो आप लोग भाई, किस्मत तो है। अब बस मेरे को ये वाली मिल जाती तो बात अलग ही होती, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें देखते हैं मैं अगर इसमें भाई, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है वैसे? इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है क्या? नहीं भाई, ये सिर्फ स्किन है। ओके ये वाली सिर्फ स्किन है, अगर मेरे को ये स्किन भी मिल गई तो अच्छा होगा ना। और भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसका साउंड यार, भाई साहब भाई मुझे लगा नहीं था कि मैं आज की वीडियो में इसको निकाल लूँगा। मुझे लगा था कि सारे कंटेनर वेस्ट जाएंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार भी कंटेनर्स खोले हैं मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फाइनली मुझे मिल चुकी है। और ये यहाँ पे मुझे कुछ रिवार्ड्स भी मिल चुके हैं, उनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। खैर इसकी टॉप स्पीड हमें चेक करनी है, तो यही वाला रोड सही है क्या? ये वाला रोड सही है या ये वाला रोड सही है? भाई मेरे कूपन्स भी ख़त्म नहीं हुए और मुझे गाड़ी भी मिल गई। सोचा नहीं था कि मुझे इसी में गाड़ी मिल जाएगी, मैं तो सोच रहा था कि कूपन्स खर्च करने पड़ेंगे और सारे कूपन्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी मुझे थोड़े बहुत कूपन्स खर्च करने पड़ेंगे तब जाके मुझे गाड़ी मिलेगी, लेकिन मेरे को गाड़ी ऐसे ही मिल चुकी है अभी। और ये यहाँ पे 250 तो गाड़ी पहुँच चुकी है, 240 242 ओके 242 से आगे जाएगी क्या गाड़ी? ओके गाइस तो मुझे लग रहा है कि इसकी टॉप स्पीड 242 है, और मेरा गेम पूरा लैग करने लग रहा है गाड़ी को टॉप स्पीड पर पहुँचाने में। ओके 242 इसकी मुझे टॉप स्पीड लग रही है, और यहाँ पे स्टंट, अरे नहीं यार मुझे लगा था छत पर चढ़ जाएगी, लेकिन छत पर भी नहीं चढ़ पाई। ओके अभी तो खैर इसकी स्पीड टॉप स्पीड 242 है, लेकिन भाई गाड़ी हमको मिल चुकी है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं इसके एक दो क्रेट और खोल कर देखूँ क्या यार मेरे को वो स्किन मिल जाए तो, या फिर छोड़ो यार उस स्किन का मैं क्या करूँगा। मैं सोच रहा हूँ अपने हैंडमेड कस्टमाइज़ करवाऊँगा इसको, अपने हाथों से करूँगा अभी। ओके सो गाइस फाइनली मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे सुपरा MK4, और भाई मैंने सोचा नहीं था कि आज की वीडियो में मेरे को ये मिल जाएगी, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए भाई, ट्राई करने से मेरे को मिल गई। अगर मैं ट्राई ना करता तो शायद मेरे को आज ये ना मिलती। मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि भाई इस गाड़ी से रेस करने का तो कोई सीन नहीं बनता, क्योंकि मैं ऑब्वियसली हार ही जाऊँगा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, और मस्टैंग की स्पीड मेरी इससे ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अपग्रेड करके तब इससे रेस वगैरह करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अपग्रेड मैं मस्टैंग पे फोकस करूँ अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि मस्टैंग को मैं सोच रहा हूँ पूरा 50 लेवल तक कंप्लीट कर दूँ, तब जाके मैं दूसरी गाड़ियों को अपग्रेड करूँ। क्योंकि मैं सारी गाड़ियों में कूपन्स लगाते जाता हूँ तो कूपन्स बढ़ जाते हैं, और कोई भी गाड़ी ढंग से मैक्स नहीं हो पाती है। तो हाँ अभी के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ मस्टैंग के ऊपर,
मस्टैंग के बाद हम इसको भी मैक्स करने का ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगे, चलेगी तो उस वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। और अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा, बी से बी हैप्पी, खुशी खुशियाँ फैलाते रहिए। राधे राधे गाइस और गुड बाय।